Continue with chapter number 1, Introduction to Counting. In this video, we are going to discuss another topic of this chapter, that is uses of accounting information. जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी या मीनिंग को स्टडी किया तो उसमें हमें पढ़ा था कि कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ने लगे हैं कि यूजर्स कौन कौन से हैं और उनको कंपनी की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। वेरियस पार्टीज आर इंटरेस्टेड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो हमें बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। और अलग अलग पार्टीज होती हैं वो कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, लाइक कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस हुआ, स्टेट ऑफ अफेयर्स की कंपनी की क्या पोजीशन है, कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन में वो इंटरेस्टेड होते हैं। द वेरियस यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर इन्यूमरेटेड बिलो। आपको एक फ्लो चार्ट गिवन है, इसमें डिवाइड किया गया है कैसे कैसे यूजर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में हमारे पास तीन यूजर्स कवर होते हैं, मैनेजमेंट, ऑनर्स, एम्प्लॉयज। देन एक्सटर्नल यूजर्स में टू सब कैटेगरीज हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उनके आगे यूजर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। सो अब हम ये पढ़ेंगे कि इंटरनल यूजर्स होते क्या हैं और उनको हमारी कंपनी के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। सिमिलरली एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, उनको कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो देन इट इज नीड ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो हमारे यूजर्स हैं उनकी कैसी कैसी नीड है, मतलब उनकी क्या क्या जरूरत है, जिसके अकॉर्डिंगली वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास है इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मे बी मैनेजमेंट, ऑनर्स एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल यूजर में मैनेजमेंट हो सकती है, ऑनर्स हो सकते हैं, या वो वाले एम्प्लॉय जो कंपनी में एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। द इंटरनल यूजर्स हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी इंटरनल यूजर्स होते हैं उनका कंपनी में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। अब रीजन पढ़ते हैं क्यों। सबसे पहले है मैनेजमेंट। टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। सबसे पहले टॉप लेवल, देन मिडल लेवल, देन लोअर लेवल। अब पढ़ेंगे कि ये जो अलग अलग लेवल्स हैं इनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। सबसे पहले पॉइंट है सिलेक्टिंग आउट ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। इसका मतलब है कि कंपनी के पास कोई ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, तो कौन सी ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है इसका डिसीजन कौन लेगा, हमारी मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनी ने सोचा कि उन्होंने सेल्स इंक्रीज करनी है, तो डिस्काउंट देकर सेल इंक्रीज की जाती है, बाय वन गेट वन फ्री लेकर की जा सकती है, प्रोडक्ट का प्राइस कम करके सेल्स इंक्रीज की जा सकती है। सो मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। सेकेंड इज कंट्रोलिंग एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्रीज, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। कंट्रोलिंग एंड एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री, मतलब एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज, कि आपको कितनी इन्वेंट्री खरीदनी चाहिए, कितना आप अपने स्टोर करके रखोगे, ठीक है ना, कि कहीं आपने ज़्यादा इन्वेंट्री तो नहीं खरीद ली, ज़्यादा स्टॉक तो नहीं खरीद लिया, ज़्यादा रॉ मटेरियल तो नहीं खरीद लिया, क्योंकि उसमें पैसा ब्लॉक हो जाता है, खराब होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो इन्वेंट्री के ऊपर कितना पैसा लगाना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, वो भी हमारी मैनेजमेंट डिसीजन लेगी। हर एक चीज का कैश रिसिप्ट, मतलब उसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट, कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पैसा आपने खर्च किया, कितना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पैसा हम खर्च करेंगे, उसका हिसाब किताब भी कौन रखती है, मैनेजमेंट। प्लानिंग और बजटिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर्स के लिए प्लान बनाने, बजट्स बनाने, ये भी मैनेजमेंट ही करेगी। अप्रेजिंग दी परफॉर्मेंस,
हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी, कैलकुलेट करना कि किसने अच्छा काम किया साल के दौरान या किसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, डिवाइजिंग रेमेडियल मेजर्स फॉर द डेविएशन ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट फ्रॉम द बजटेड टारगेट। अगर बाई चांस मैनेजमेंट ने कोई टारगेट सेट किया था और वो टारगेट हम पूरा नहीं कर पाए, सो क्यों पूरा नहीं कर पाए और कैसे उसको अचीव कर सकते हैं फ्यूचर में, उसके बारे में भी डिसीजन कौन लेगी? मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग। अब जैसे हमने पढ़े कि हमारे पास तीन लेवल्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए सो दैट कि ये प्लान अच्छे बना सके और पॉलिसी सही बना सके। फिर जो मिडल लेवल है इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि जो प्लान बनाए हैं टॉप ने या जो पॉलिसीज बनाई है उस पॉलिसीज के ऊपर चलना, वो प्लानिंग को पूरा फॉलो करना और उसके अकॉर्डिंगली काम पूरा करके दिखाना, डेविएशंस नहीं होनी चाहिए। और जो लोअर लेवल है जिसको हम बॉटम लेवल भी बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड इट फॉर ऑपरेशनल अफेयर्स। अब एक्चुअल में काम तो लोअर लेवल ने करके दिखाना है, और अगर उसको हम प्रॉपर बताएंगे कि टॉप या मिडल ने क्या डिसाइड किया है, तभी वो अपने टारगेट को पूरा कर पाएगा। इसलिए इन यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए सो दैट कि ये अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली सही डिसीजन ले सके। देन इट इज ऑनर्स। द ऑनर इज द सोल ट्रेडिंग बिजनेस आर द प्रोपराइटर। अगर कोई पर्सन अकेला ही काम करने वाला है, सोल मतलब होता है वन ट्रेडर, जैसे छोटी मोटी दुकान खोली है तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्रोपराइटर का बिजनेस कर रहा है। अगर वो पार्टनरशिप का कर रहे हैं तो उसमें सारे पार्टनर्स होते हैं। अगर वो किसी कंपनी में है तो उसको शेयर होल्डर बोलेंगे। सो अलग अलग लेवल पे ऑनर का नाम चेंज हो जाता है। अगर कोई पर्सन अकेला काम कर रहा है, छोटी शॉप खुद चला रहा है, तो वो प्रोपराइटर कहा जाएगा उसको। अगर कोई पार्टनरशिप के अंडर काम कर रहा है तो उसको पार्टनर्स कहा जाएगा। अगर कोई कंपनी के अंडर काम कर रहा है तो मालिक को शेयर होल्डर्स कहेंगे। द शेयर होल्डर्स नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू जज द प्रॉस्पेक्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। द शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन डिविडेंड, बोनस शेयर्स एंड एप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। दे आर इंटरेस्टेड टू डिटर्मिन वेदर दे शुड बाई मोर शेयर्स, होल्ड और सेल देयर अर्लियर शेयर्स इन हैंड। कह रहे कि अब शेयर होल्डर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ताकि वो जज कर सके कि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक कितनी की है, फ्यूचर में उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी कि ग्रो नहीं करेगी। ताकि वो अब वो कैसी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है कि कंपनी उसको डिविडेंड देगी कि नहीं देगी, बोनस शेयर देगी कि नहीं देगी। कोई कंपनी डिविडेंड या बोनस तभी दे सकती है अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही हो, और प्रॉफिट हमें कहाँ से पता लगता है? अकाउंटिंग से। जो शेयर्स शेयर होल्डर ने खरीदे हैं उसकी शेयर की वैल्यू में कोई इंक्रीज आया है कि नहीं आया है? अगर इंक्रीज आया है तो ये शो करता है कि कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, और अगर शेयर्स की कीमत गिर रही है तो इंडिकेशन है कि कंपनी नहीं परफॉर्म कर रही। सो ऑनर को ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए सो दैट कि वो डिसीजन ले सके कि उसको और शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं, या उसको अभी जितने शेयर है बस इतने में ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, या उसको अपने शेयर सेल कर देने चाहिए। सो ये डिसीजन लेने के लिए उसको पहले पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर उसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो ये डिसीजन ले पाएगा। क्लियर? देन थर्ड इज इम्प्लॉयज। दे आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंट बुक्स ड्यू टू द बोनस स्कीम्स एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। अकाउंट बुक्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स एम्प्लॉयज डिमांड बोनस फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। दे आर ऑल्सो ईगर टू असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे सैलरी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अ साउंड एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट देयर फ्यूचर करियर इज सेफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे इम्प्लॉयज को क्यों काउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए? ताकि वो ये पता लगा सके कि जो कंपनी की बोनस स्कीम है कि क्या कंपनी हमें बोनस दे पाएगी, या कंपनी कोई हमें सिक्योरिटी देगी कि नहीं देगी। सिक्योरिटी का मतलब जॉब कैसी होगी, परमानेंटली या एडहॉक मतलब टेम्परेरी। अब वो कैसे पता लगाएगा कि बोनस मिलना है इम्प्लॉयज को कि नहीं मिलना? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तभी कंपनी बोनस दे सकती है, तभी कंपनी सिक्योरिटी दे सकती है। और प्रॉफिट हमें कहाँ से पता लगता है? फ्रॉम द अकाउंट्स। ठीक है, सो प्रॉफिट के बेस पे वो कंपनी जो है उसके इम्प्लॉयज़ हैं वो अपने इम्प्लॉयर से बोनस की डिमांड कर सकते हैं,
या कह सकते हैं कि हमारी सैलरी में कोई इंक्रीज लाया जाए, या सैलरी की प्रॉपर डिमांड कर सकते हैं, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब पेंशन की डिमांड कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है अगर इम्प्लॉयज़ के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि कंपनी कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, और अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी तभी वो अपने इम्प्लॉयज़ को बोनस, सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट दे पाएगी। इसलिए उनको अपना फ्यूचर सेफ करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि उनको पता लग सके कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं कि क्या उनको रेगुलर सैलरी वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्लियर? सो मैनेजमेंट, ऑनर्स एंड एम्प्लॉयज़, ये तीन पार्टीज़ हैं जो कंपनी के अंदर ही होते हैं, एंड दे आर डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज इंटरनल यूजर्स।